हमारे बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं कि जब वो अकेले घर से बाहर जाने लगें तो हम पेरेंट्स को बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा इंडिपेंडेंट बने, लेकिन जब भी बच्चा हमारी आंखों से दूर होता है तो हर पेरेंट्स को उनकी सेफ्टी की बहुत ही चिंता होती है। अगर हमने अपने बच्चों को इस वीडियो में बताए गए आउटडोर सेफ्टी रूल्स बताए हैं तो हमारा बच्चा हमेशा सेफ रहेगा। आज मैं बताने जा रहा हूँ एक्सपर्ट्स द्वारा बताए गए 5 आउटडोर सेफ्टी टिप्स। ये टिप्स हमारे बच्चों की सेफ्टी इंश्योर करते हैं जब भी वो घर से बाहर होंगे। तो आइए देखते हैं, इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो हमारे बच्चों को सेफ्टी इंश्योर करने में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। टिप नंबर 1, स्कूल बस और कैब सेफ्टी रूल्स। ज्यादातर बच्चों के लिए घर के बाहर अकेले जाने का पहला स्टेप तब होता है जब वो स्कूल जाना शुरू करते हैं। ऐसे सिचुएशंस में अगर पॉसिबल हो तो पेरेंट्स को बच्चों को स्कूल बस तक छोड़ना एंड वापस पिकअप करना चाहिए। पेरेंट्स को बच्चों को आगे बताए हुए बातों को सिखाना चाहिए, जैसे कि पहला, स्कूल बस में चढ़ते और उतरते समय हमेशा लाइन में लगकर चलें एंड कभी पुश ना करें क्योंकि ये एक्सीडेंट का कारण हो सकता है। सेकेंड, चलती हुई बस कैब के बाहर कोई भी बॉडी पार्ट्स ना निकालें। थर्ड, बस टीचर ड्राइवर और केयरटेकर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए। फोर्थ, बस से उतरते समय हमेशा ये याद रखिए कि तभी उतरना है जब बस पूरी तरह से रुक गई हो। बस से उतरते समय पेरेंट्स के आने का वेट करिए। अगर किसी रीजन से आपके पेरेंट्स आपको पिक नहीं कर सकते तो पेरेंट्स को पहले ही बस टीचर को इन्फॉर्म करना है ताकि बच्चे को सेफ्टी से घर तक पहुँचने की अरेंजमेंट कर सकें। सिक्स्थ, बस से उतरने के बाद कभी भी बस के आगे एंड पीछे से ना निकले, क्योंकि अगर बस के अंदर से ड्राइवर का आपका व्यू क्लियर नहीं होता है और अगर बस ने स्पीड ली तो बच्चे के लिए डेंजरस भी हो सकता है। 7, अगर बस या कैब के रूट में आपके बच्चे का फर्स्ट पिकअप या फिर लास्ट ड्रॉप है तो ये आप जरूर इंश्योर कर लें कि बस में कोई भी स्टाफ और ड्राइवर या हेल्पर के अलावा कोई स्कूल टीचर या फिर केयरटेकर जरूर हो। अगर ऐसा नहीं है तो आपको तुरंत ही स्कूल में बात करके ऐसे अरेंजमेंट करने के लिए बोलना है। टिप नंबर 2, आउटडोर प्ले टाइम सेफ्टी रूल्स। स्कूल के अलावा बच्चे घर से बाहर अकेले खेलने के लिए या फिर किसी आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे कि साइकिलिंग और भी बहुत से इस तरीके की एक्टिविटीज़ के लिए जाते हैं, पेरेंट्स को बच्चों के साथ मिलकर उनके आउटडोर प्ले का टाइम टेबल फिक्स करना चाहिए और बच्चों के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही खेलने के लिए बाहर भेजना चाहिए। पेरेंट्स को बच्चों को टाइम टेबल फॉलो करने के लिए भी एनकरेज करना चाहिए। पेरेंट्स बच्चों में डिसिप्लिन के लिए छोटे छोटे रिवॉर्ड्स देकर मोटिवेट भी कर सकते हैं। इसमें पेरेंट्स एक रिवॉर्ड चार्ट का यूज़ करते हैं जो बच्चों को सेल्फ डिसिप्लिन के लिए मोटिवेट करता है। जब भी बच्चा टाइम टेबल को सही तरीके से फॉलो करता है तब उनको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं और टाइम टेबल ना फॉलो करने पे पॉइंट्स डिडक्ट भी होते हैं। एक निश्चित पॉइंट्स हो जाने पर बच्चों को रिवॉर्ड्स मिलता है। रिवॉर्ड आप किसी भी रूप में दे सकते हैं, जैसे कि स्पेशल आउटडोर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा फन टाइम विद पेरेंट्स और फेवरेट फूड्स। घर से बाहर जाने का कुछ भी रीज़न हो सकता है, पेरेंट्स को बच्चों को अपनी सेफ्टी के लिए ये बातें जरूर सिखानी चाहिए। जैसे कि पहला, घर से बाहर जाने के पहले बच्चों को पेरेंट्स की परमिशन जरूर लेनी है, कभी भी बिना बताए घर के बाहर अकेले नहीं जाना है। सेकंड, बच्चों को ये भी बताना है कि वो कहाँ जा रहा है एंड किस टाइम तक वापस आएगा। थर्ड, बताए गए जगह के अलावा कहीं और नहीं जाना है एंड बताए गए टाइम के अंदर ही घर वापस आना है। फोर्थ, अगर बच्चा बताए गए टाइम तक घर वापस नहीं आता है तो पेरेंट्स को बिना देर किए बच्चे के बारे में पता करना है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा घर से दूर चला गया हो या किसी डेंजरस प्लेस पे, या फिर बच्चे को आपकी हेल्प की जरूरत भी हो सकती है। तो अब बात करते हैं कि बच्चे पार्क में अपनी सेफ्टी कैसे करें, उसके लिए पेरेंट्स को उन्हें ये बातें जरूर सिखानी चाहिए। पहला, पार्क में खेलते समय बच्चों को अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ ही रहना है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर मिस हैपनिंग तब होती है जब बच्चा अकेले होता है। सेकंड, कभी भी सुनसान या किनारे वाले जगह पे नहीं जाना है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसी जगह डेंजरस हो सकती हैं, जैसे कि वेल, गड्ढे, डेंजरस जानवर जैसे कि स्नेक, बिच्छू, इस तरीके की और भी चीज़ें हो सकती हैं और बैड इंटेंशंस वाले लोग भी हो सकते हैं। थर्ड, अगर बच्चे को खेलते हुए चोट लग जाती है तो उसे किसी जान पहचान के अंकल आंटी की हेल्प लेनी है एंड तुरंत अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना है।
अगर पार्क में कोई जान पहचान के बड़े लोग नहीं दिख रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स को साथ में घर चलने के लिए बोलना है। तो अब बात करते हैं अपने टिप नंबर 3 की, जिसका नाम है साइकिलिंग सेफ्टी रूल। साइकिलिंग को जाते समय हमेशा हेलमेट, एल्बो, नी सेफ्टी गार्ड्स जरूर लगाइए। साइकिलिंग करते हुए घर के आसपास ही रहिए, कभी भी घर से ज्यादा दूर ना जाएं, क्योंकि ये डेंजरस भी हो सकता है। अब चलते हैं अपने टिप नंबर 4 पे, जिसका नाम है ग्रोसरी स्टोर सेफ्टी रूल्स। ऐसा अक्सर होता है कि हम अपने बच्चों को ग्रोसरीज या फिर स्टेशनरी का सामान लेने के लिए अकेले ही शॉप पर भेज देते हैं। ऐसा करने के पहले पेरेंट्स को बच्चों को सेफ्टी रूल्स जरूर सिखाने चाहिए। पहला, बच्चों को बेसिक रोड सेफ्टी रूल्स जरूर सिखाइए। सेकंड, बच्चों को अपने घर के आसपास जान पहचान की शॉप पे ही जाने की परमिशन दें, और उस शॉप पे सामान ना मिलने पर उनको कहीं दूर शॉप पर जाने की सलाह बिल्कुल ना दें। थर्ड, अगर कोई अनजान व्यक्ति बच्चे को शॉप या घर तक ड्रॉप करने के लिए बोलता है तो बच्चे को उस पर बिलीव नहीं करना है और उस पर्सन से दूर अपने घर की तरफ आना है, और किसी जान पहचान के आदमी को हेल्प के लिए बोलना है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अनजान व्यक्ति किडनैपर भी या फिर बैड इंटेंशंस वाला आदमी भी हो सकता है। अगर आपको किडनैपिंग सेफ्टी के बारे में जानना है तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, जो कि हमारे आई बटन पे है, वहाँ क्लिक करके आप उस वीडियो को जरूर देखिए। तो अब चलते हैं अपने टिप नंबर 5 पे, बर्थडे पार्टी सेफ्टी रूल्स। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे बच्चों का फ्रेंड सर्कल बहुत ही बड़ा होता है, तो हर बच्चा अपनी बर्थडे पार्टी में अपने सभी फ्रेंड्स, जैसे कि स्कूल फ्रेंड्स, सोसाइटी फ्रेंड्स और इस तरीके के जितने भी फ्रेंड्स हैं, उन सबको बुलाना चाहता है। बच्चों की बर्थडे पार्टी उनके अपने घरों में या फिर कहीं दूर भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं नियर होम पार्टी। जब हमारे बच्चे घर के पास बर्थडे पार्टी में जा रहे होते हैं तो एक पेरेंट के रूप में हमें बहुत टेंशन नहीं होता है, क्योंकि बच्चा सभी जान पहचान के लोगों के साथ घर के पास होता है। हमें बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि उन्हें पूरी पार्टी के दौरान पार्टी वाली जगह पर ही रहना है और किसी और जगह पर या फ्रेंड्स के साथ या पार्क में नहीं जाना है। पार्टी खत्म होने के बाद बच्चे को अपने पेरेंट्स के आने का इंतजार करना चाहिए और उनके साथ ही जाना चाहिए। अब बात करते हैं आउटसाइड पार्टी। कभी कभी बर्थडे पार्टीज घर के बाहर जैसे कि रेस्टोरेंट, डोमिनोज या मैगडी में भी किया जाता है। हमें पेरेंट के रूप में ऐसी पार्टीज के लिए एक्स्ट्रा सतर्क रहना चाहिए और बच्चों को ऐसी जगहों के लिए सेफ्टी रूल्स सिखाने चाहिए, जैसे कि बच्चों को पूरी पार्टी के दौरान फ्रेंड्स ग्रुप के साथ ही रहना चाहिए। अगर बच्चे को किसी वजह से पार्टी से दूर जाना पड़े, जैसे कि टॉयलेट, तो बच्चों को पार्टी के होस्ट की हेल्प लेनी चाहिए और अकेले कभी नहीं जाना चाहिए। पार्टी खत्म होने पर बच्चे को अपने पेरेंट्स के आने का वेट करना चाहिए और पेरेंट्स के आने तक पार्टी होस्ट के साथ ही रहना चाहिए। अगर बच्चे इन बातों का ध्यान रखकर पार्टी में जाता है तो पार्टी में एंजॉय करने के साथ साथ अपनी सेफ्टी भी इंश्योर कर सकता है। तो आपको ये टिप्स कैसे लगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल ताकि आप आने वाली लाइफ सेविंग टिप्स जान सके। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड पेरेंट्स सर्कल में जरूर शेयर करें, ताकि उनके बच्चे भी इस वीडियो में दिखाए गए लाइफ सेविंग टिप्स सीख सकें। सो हम मिलेंगे फिर नए वीडियो में नए सेफ्टी टिप्स के साथ।